जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं सत्य हूँ, जेन्युइन हूँ और हमेशा अटल रहूंगा। छात्रों के मुद्दों को लेकर कभी डिगना नहीं है हमको। ये संकल्प है हम लोग का कि इस पटना विश्वविद्यालय को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने में सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। स्टूडेंट को किसी भी चीज की जरूरत हो, अगर कोई नाम सामने आता है तो वो शाश्वत शेखर का। कॉलेज समर्थन देगा प्लस छात्रावास समर्थन देगा उनको। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। लगातार लोग उतर रहे हैं झारसंघ चुनाव में और माहौल कुछ अलग ही रहता है। NSUI क्या दमदार रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा पटना कॉलेज के अंदर में एक मीटिंग किया गया है। इस मीटिंग का मुख्य मकसद जो है वो पटना विश्वविद्यालय के अंदर में जितने भी मांग हैं उस मांग पर विचार किया गया है। और हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन है, ये 2022 का जो छात्र संघ चुनाव है वो महत्वपूर्ण चुनाव है हम लोग के लिए, और हम लोग यह चुनाव पूरी मजबूती के साथ जीतने जा रहे हैं। आज उसको लेकर हमने एक मीटिंग किया है और पिछले जितने भी छात्र संघ चुनाव हुए हैं और जितने भी प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, आज अगर कॉलेज के अंदर में देख ले, फीस का मामला हो, सेशन का मामला हो, कैंपस में असामाजिक तत्वों का मामला हो या फिर हॉस्टल का जो मामला हो, हम तमाम मुद्दों को संग्रह किए हैं और आने वाले छात्र संघ पूरे मजबूती कैसा उतारेंगे आप लोग, ये बताइए, क्योंकि गूंज तो रहा है एक ही नाम आपके बगल में खड़े हैं। देखिए, सबसे पहली बात की NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीरज कुंदन जी के निर्देश पर मुझे चुनाव प्रभारी बनाकर पटना विश्वविद्यालय का भेजा गया है, और जैसा कि 7 तारीख को नामांकन है तो उस नामांकन के लिए पार्टी कैंडिडेट का सारे कैंडिडेट को निर्देश दे दिया गया है कि जो भी चुनाव जिन पदों पर लड़ना चाहते हैं आप कल शाम तक मेल कर दें आवेदन के साथ, और उसका हाई कमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो सभी NSUI के साथियों को पदाधिकारियों के लिए सर्वमान्य है या नहीं NSUI की, ये बताइए। आप देख लीजिए, पूरे साल चाहे वो एडमिशन हो या परीक्षा फॉर्म भरने का समय हो, एग्जाम हो या रिजल्ट में गड़बड़ी हो, कभी भी अगर छात्रों के लिए कोई खड़ी हुई है इस विश्वविद्यालय के अंदर, सभी महाविद्यालय के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ एक छात्र संगठन है NSUI, दूसरी कोई छात्र संगठन नहीं। चलिए शाश्वत शेखर, अब बताइए आज क्या बोलिएगा आप? आज क्या बोलना है भैया, एज ए ऑब्जर्वर यहाँ आए हैं, हमारे निशान भी हैं, प्रतीक भी हैं, दोनों लोग यहाँ चुनावी तैयारियों को देखने के लिए आए हैं। आवाज गूंज रहा है इतना, ये सभी हमारे भाई हैं, इतना दिनों के संघर्ष में मैंने यही कमाया है, इन लोग के बीच में रह के इन लोग का आवाज उठा के मैंने यही कमाया है जो आज जाहिर हो रहा है। आज बताइए कि आज मुद्दा आप क्या बताइएगा हमें, क्योंकि मुद्दे की कमी तो है नहीं यूनिवर्सिटी में। देखिए, पटना विश्वविद्यालय जिस तरह से है उसमें केवल मुद्दा ही मुद्दा है, केवल मुद्दा ही मुद्दा। यह पटना विश्वविद्यालय अभावग्रस्त है, यहाँ असुविधा और बदहालग्रस्त बने सारा समस्या पटना विश्वविद्यालय में है। अब एकमात्र मेरा लाइबिलिटी है कि ईमानदार और जेन्युइन छात्र संघ के अध्यक्ष को नियुक्त करके छात्र भेजे, और इतना लोग का जो क्राउड है ये लोग पूरा मन बना लिए हैं कि शाश्वत शेखर ही पटना विश्वविद्यालय का नहीं को मिलेगा जो सही है। बिल्कुल जेन्युइन है, हम निर्विवाद है, निष्पक्ष है, शाश्वत शेखर सत्य है। नाम पीछे तो नहीं लीजिएगा? नहीं, नाम पीछे क्या लेना है, नहीं नहीं कभी नहीं। और डर किससे ही बताइए? किसी से डर नहीं है, होता है ना कि ये टक्कर का हमारे, निडर शाश्वत शेखर निडर है, निर्विवाक है। लिखा हुआ यहाँ कुछ कुछ मुझे दिख रहा था, वो दिखाइए थोड़ा, ये उल्टा है उसको सीधा करिए। सत्य है, शाश्वत है, इसका मतलब बताइए। बिल्कुल, शाश्वत क्या होता है? शाश्वत मतलब अटल होता है, और मैं सत्य हूँ, जेन्युइन हूँ और हमेशा अटल रहूंगा। छात्रों के मुद्दों को लेकर कभी डिगना नहीं है हमको, हमेशा अटल रहूंगा और तटस्थ रहूंगा। अगर किसी भी छात्र का कोई समस्या होता है, कोई भी इशू होता है, 24/7 एवरी टाइम मैं अवेलेबल रहूंगा, हमेशा अटल रहूंगा अपने मुद्दों को लेकर। और मेरा लाइबिलिटी है कि छात्रों के लिए आज क्या बोलेगा, कल तो बोले थे। बिल्कुल, बहनों का सबसे बड़ा समस्या है सेफ्टी इशू पटना विश्वविद्यालय में, विशेषकर उनके सेफ्टी के भी समय ख्याल रखा जाएगा और प्रॉपर तरीके से छात्र संघ पहल करके उसमें मैनेजमेंट करेगा, और एक यूनिक छात्र संघ पटना विश्वविद्यालय देने जा रहा है इस बार हमारे नेतृत्व में। चलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, इस बार जो पटना विश्वविद्यालय में सभी छात्र संगठन का मुद्दा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए, तो हम यह आपको विश्वास और संकल्प लेके आए हैं कि अगर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का उम्मीदवार इस पटना विश्वविद्यालय के अंदर जीतता है तो सबसे पहले अगर हमारी लड़ाई होगी तो इस विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन लड़ेंगे नहीं, करेंगे। ये संकल्प है हम लोग का कि इस पटना विश्वविद्यालय को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने में सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और दूसरी बात जो है, आज जो ये बैठक है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी और हमारे बिहार प्रभारी रोशन लाल बिट्टू जी के दिशा निर्देश पर हुआ है, और मजबूती के साथ सभी उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है, और उस दावेदारी को देखते हुए हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो हमारे संगठन का मजबूत उम्मीदवार होगा। हाथ में लिए हैं, शाश्वत सत्य है, शाश्वत है जी, मतलब क्या?
मतलब क्या वो सही है, सब स्टूडेंट का हमेशा काम करते हैं और समय पर रहते हैं कैंपस में हमेशा सभी कॉलेजों में। थर्ड ईयर में बीएन कॉलेज में। आप बताइए क्या बोलिएगा, हाथ में पूरा भरे हुए हैं? हाँ भरे हुए हैं, क्योंकि जैसा बोले शाश्वत है तो अटल बोले, मतलब जिसका नींव हिलाया नहीं जा सकता है। तो पिछली बार भी आप बोले थे तो हम यही बोलेंगे कि अगर सबसे ज्यादा कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है पूरे पटना यूनिवर्सिटी में तो शाश्वत भैया, उनके अलावा और कोई डिजर्व नहीं करता है प्रेसिडेंट के लेवल पे लड़ने के लिए। चलिए देखिए एनएसयूआई का ये भीड़ है और आपको दिख रहा होगा कि जो लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं वो क्या कुछ कह रहे थे वो आपको दिखेगी। आप हाथों में पोस्टर है, सत्य है, शाश्वत है और सब लोग अलग अलग जगहों से यहाँ अलग अलग कॉलेजों से पहुंचे। बताइए शाश्वत का नाम गूंज रहा है पूरा पटना विश्वविद्यालय में, एक एक भी है छात्र नेता शाश्वत भैया नहीं, टक्कर में अभी कोई है ये नहीं है, कोई मानते ही नहीं, नहीं कोई किसी का नहीं। इन्हीं को क्यों मतलब लोग चिंता ही बताइए कुछ खास बात। छात्र के हरदम तटपर रहते हैं, 365 दिन कोई भी छात्र का कुछ भी काम होता है शाश्वत भैया के पास जाते हैं, एक बार कहते एक बार में सुन लेते हैं, एक बार में सुन लेते हैं। आप बताइए क्या बोलिएगा, और कभी भी आप अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज की जरूरत हो, अगर कोई नाम सामने आता है तो वो शाश्वत शेखर का, आप कभी भी कॉल कीजिए, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी तरह का इशू हो, हॉस्टल इशूज हो, सेफ्टी इशू हो या किसी भी तरह का रिजल्ट पेंडिंग उन्डिंग हो, तो वो शाश्वत शेखर हैं जो तुरंत उस चीज को एक्टिवली वो सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये छात्र संघ चुनाव का माहौल है पटना यूनिवर्सिटी में लगातार जो माहौल है वो अलग सा हो जाता है और सबके मुंह पे अलग अलग नाम रहता है। क्या नाम हुआ आपका? विक्की कुमार। आप किसके लिए आए यहाँ पे? यहाँ पे शाश्वत भैया के लिए। कारण वोटिंग, बल्कि उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। यस, इतने अच्छे लगते हैं, इतने पसंद है, इन्हीं का नाम गूंज रहा है यहाँ पे जहाँ आप खड़े हैं, इनको आए हैं सपोर्ट करने के लिए आए हैं। चलिए आप बताइए कि आप कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं, छात्र संघ चुनाव में लगता कैसा है बताइए? क्या छात्र संघ चुनाव में लगता कैसा है? सब कुछ अच्छा लगता है भैया। सब कुछ अच्छा लगता है जी भैया, वोट देते हैं? हाँ भैया। इस बार का चुनाव अलग नहीं लग रहा है कि बाप रे? नहीं अलग नहीं लग रहा है। अलग नहीं लग रहा है? नहीं। बताइए छात्र संघ चुनाव में माहौल कैसा रहता है? माहौल तो बहुत गर्म रहता है और जैसे कि आप देख रहे हैं एनएसयूआई का भी मीटिंग हो रहा था, सब लोग इतने जोश में लग रहे थे, कारण? एनएसयूआई में आज होने वाला मीटिंग जिससे फैसला होगा कौन होगा हमारे अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कौन होगा, उसी का आज सब पेशी कर रहे थे अपना। और जैसा कि आप देख रहे हैं किसका माहौल ज्यादा गर्म है, हमारे शाश्वत भैया हैं साइड से और एक साइड से मानसी जहाँ है, देखते हैं दोनों में से किसको टिकट मिलता है। चलिए आप बताइए जोश कितना है एनएसयूआई में? एकदम दम से हम लोग तैयार है, एकदम लगातार जोश पूरा भरा हुआ है हम लोगों में, बस शाश्वत भैया को टिकट मिल जाए और हम लोगों से एकदम हुकार भर दी है पूरा। कौन आपकी पढ़ाई क्या करते हैं? मैं अभी पीजी में नामांकन दाखिला लिया हूँ। इतना खुशी है आपको? एकदम पूरा खुशी, इसी दिन का तो इंतजार था इतने दिनों से, एकदम 4-5 साल से चुना। कारण था कि शाश्वत भैया को बस अध्यक्ष बनाना है, बस यही एक मेरा उम्मीदवार है, विश्वविद्यालय का उम्मीदवार है बस। चलिए आप क्या कहिएगा आज ये बताइए। देखिए हम लोग विगत 2 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ, इस बार जो छात्र संघ चुनाव हो रहा है उसको लेकर के सभी छात्रों में एकदम खुशी का माहौल है, एक तरह से विश्वविद्यालय में त्यौहार है। और जहां तक एनएसयूआई का बात है, एनएसयूआई विश्वविद्यालय में हमेशा से तत्पर रहा है और इस बार भी अध्यक्ष सहित तमाम पदों पर एनएसयूआई ही आ रहा है और कोई नहीं? बिल्कुल नहीं। एनएसयूआई को दिक्कत किससे, टक्कर किससे? अभी तो फिलहाल उतना नहीं कह सकते हैं, मगर शाश्वत इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर एनएसयूआई। बताइए एनएसयूआई को डर और टक्कर किससे? टक्कर कोई से नहीं है, कोई से टक्कर नहीं है, क्योंकि इस बार शाश्वत भैया लड़े एक कॉलेज नहीं पूरा कॉलेज समर्थन देगा प्लस छात्रावास समर्थन देगा उनको पूरा। हाँ पूरा छात्रावास फिक्स है। एनएसयूआई का माहौल कैसा था वो हमने आपको दिखा दिया, नाम एक ही गूंज रहा है शाश्वत शेखर, और क्या कुछ कह रहे थे लोग और शाश्वत शेखर क्या कह रहे थे वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर पेज को लाइक करें, धन्यवाद।